global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. First of all, it's a very big responsibility. Hamare jo past ke presidents hai, they've set a platform, a standard to what I have to match. I have to also take it forward. Aur ye saal ka jo hamara theme hai, that is being inclusive and thinking exclusive. We are trying to get that through with people, taki inclusive environments mein kaise SMEs can grow with the limited resources that we have. We also want to be a voice for the SME. Voice it out to the policy makers so they understand what we are feeling on ground level. You know, kabhi kabhi kya hota hai ki when they are thinking on a different plateau, hamari jo niche ki awaazein hain, wo we want to be their voice. That's what we want to do. Yes. Sir, janna chahenge naya president bane aage kis tarike se karyabhar sambhalenge aur kya kuch alag karenge? Ji, that way in BIA it is quite standard of how we have to follow. There are certain protocols you follow. But yes, this year, jaise maine kaha, inclusive nature, inclusive leadership pe, how we need to groom the people. Because jo economy ki stage hai, is jagah pe hai ki we have to be able to use our current resources to the best. Jo hamare existing log hain, unki capacity bada ke, kaise hum log aage kaam kar sakte hain, that is what we are going to focus on. सर यहाँ के जो बी आई की टीम है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया यहाँ तक लेके आने में, आपके जो फ्रेंड्स बैठे हैं जी, उनको क्या कहना चाहिए? उनको मैं कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, उनके वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. आई एम एक्चुअली गोइंग टू बी सर्विंग देम दिस ईयर. दिस इज माई सर्विस टू बी आई बिकॉज ऑफ स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स ओवर हियर एंड आई स्टैंड बाय देम, आई सपोर्ट देम. थैंक यू. तो मैं सबसे पहले नए प्रेसिडेंट को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो उन्होंने आज प्रेसिडेंट का पद संभाला है और उनकी जो थीम है बाइट, बी इंक्लूसिव थिंग एक्सक्लूसिव, बहुत ही यूनिक थीम है. और जैसा उन्होंने कहा, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सबके साथ मिलके, सबके साथ, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वैसे उनके भी ये थीम बोलती है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ में लेके एसोसिएशन को आगे बढ़ाना है. सर, जो ये अपना नए प्रेसिडेंट आने के बाद उनको क्या कुछ कहेंगे, जो बदलाव रहे और उनका क्या मार्गदर्शन रहेगा? मार्गदर्शन तो हमारे सब लोगों का हमेशा होता ही है, मेरा भी रहेगा, हमारे पास प्रेसिडेंट्स का भी रहेगा. लेकिन एसोसिएशन ऑलरेडी एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचा है. मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इसको और ज़्यादा डायनामिक बनाए और ज़्यादा ऊपर लेके जाए, अपनी आवाज़ गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ये मैं उनको सजेस्ट करूँगा. क्या ये जो एसोसिएशन है और MSME सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, 1200 मेंबर्स है हमारे अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको हम ट्राई करते हैं कि उनको गवर्नमेंट तक लेके जाए, उनको क्या एडुकेट करना है, नया कुछ भी सीखना है तो हम लोग सेमिनार्स करते हैं, उनको वर्ल्ड में अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज दिखाने का काम हम करते हैं. सर, यहाँ पर आप किस तरीके से कार्यभार संभालेंगे यहाँ पर और किस क्या कुछ बदलाव करेंगे यहाँ पर? बदलाव में अभी जितना वर्ल्ड फास्ट जा रहा है ई कॉमर्स के तरह, तो हम हमारे मेम्बर्स को भी ये चाहते हैं कि वो भी बदलाव चेंज करें अपने आप को और ग्रोथ करें, तो हम उनको एक रास्ता दिखाते हैं थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स. हम उनके साथ हैं, हमारी जो टीम है वो ऑफिस बेरर की टीम है, वो उनके साथ है और हम चाहते हैं कि हम अगले साल से ये साल और ज़्यादा अच्छा काम करें. हमारे मेंबर्स जो है 1200, उसके 1500 मेंबर्स ये साल में हम टच करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को हम बेनिफिट कर पाना चाहते हैं.